हाँ तो भैया नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, स्वागत है आप सभी लोगों का ललित कॉलोनी व्लॉग्स में। आज है 10 तारीख, तो आज यानी कि कल को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम, मेरे चाचा के लड़के का जनेऊ है, भाई का छोटे, तो हमारे घर में हमारा पूरा परिवार आ चुका है। मैं एक एक करके मिलाता हूँ आप लोगों, सभी लोगों से, ठीक है। उसके बाद जाना है हमें कॉलेज, क्योंकि आज वीडियो बनानी है बोला, तो अभी वहाँ जाते हैं। उससे पहले घर वालों से मिलवाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मिलिए हमारे घर के सबसे छोटे व्यक्ति यानी कि लक्ष्य कॉलोनी से, जो भाग गया है कैमरे को देख करके। मेरा छोटा भाई मेरे लिए आ रखा है चुपा चुप्स। बहुत तो बहुत आप भी धन्यवाद हमें आपका दे इस चुपा चुप्स के लिए। दे, भैया और मेरे को भी दे दे। ये है हमारी काली माता, हरी, मैं दूंगा सॉरी यार, आप भी दे हरसू, दे। ये है हरसू। और ये लोग खा रहे हैं चुपा चुप्स ऐसे तोड़ ताड़ के। ऐसे कौन खाता भाई, मेरे को भी खिलाओ ना। ये हमारे सबसे छोटे चाचा की लड़की, ये हमारे सबसे छोटा चाचा के लड़का, इसका नाम है लक्ष्य, इसका नाम है हिमानी। ये 8 में, और ये दिन भर फोन चलाती रहती है। ब्लू ब्लू वाला फोन तो चोरी हो गया। तो घर में चल रहे काम के कारण मैं सभी लोगों की शक्ल आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो फिलहाल हम जा रहे हैं अब कॉलेज की तरफ। अर्पित जी आ गए, अर्पित जी चलाएंगे बाइक और हम जाएंगे कॉलेज की तरह। कॉलेज में पहुंच गए हैं और अब अगली यात्रा प्रारंभ हो चुकी है हमारी। पूर्णागिरी के यात्रियों को देखने जा रहे हैं, उसकी शॉर्ट्स आप लोग मेरे से पहले देख लेंगे इस वीडियो के आने से पहले। तो आप लोगों को दिखाते हैं पूर्णागिरी के यात्रियों की भीड़, जो कि बनबसा में हो रखी है बहुत ही ज़्यादा। हम मार्केट से सामान भी ले जाना है, वो लेके घर पहुँचाते हैं। तो हम पहुँच रखे हैं कैनाल, और आपको दिखाता हूँ यहाँ गाड़ी चलाने के लिए कितनी जगह है। आप लोग ये जो इतनी बस देख रहे हो, ये कोई बस अड्डा नहीं है, ये सब जितने लोग हैं ये सब पूर्णागिरी के यात्री हैं। और ये भाई लोगों ने पूरी रोडों को देखो कैसे घेर रखा है, लोगों के घरों के आगे पड़े हैं बढ़िया करके। आनंद तो इन्हीं के जीवन में है, बस मैया के दर्शन के लिए आ रखे हैं और ऐसी पड़ावों पे बैठे रहते हैं फिलहाल। कुछ लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे, कुछ लोग दर्शन करने के लिए अब नेपाल की ओर जाएंगे। बस अड्डा बना रखा है यार पूरा का पूरा ही, बाप रे, शिव महिमा कोच। या देखो भाई पानी वानी लेके आ रहा है, ये भाई लोग खाने वाने का सामान लेके जा रहे हैं। यहाँ वैसे तो घर हैं, लेकिन घरों में भी यात्री ही यात्री हैं पूरे रास्ते भर। तो दोस्तों हम लोगों ने ख़रीद ली हैं 50-60 आइसक्रीम, और अब हम जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए चिकन की दुकान, अरे सॉरी सब्जी की दुकान पर। सृष्टि दीदी खा रही हैं खाना, और हम लोग आइसक्रीम ला रखे थे 2। अब सृष्टि कह रही है कि उसने तो खाना छोड़ दिया, तो अर्पित जी और मैं खा रहे हैं। आपने खाना छोड़ दिया ना सृष्टि जी, आपने आइसक्रीम खानी छोड़ दी ना? हाँ छोड़ दी। ओके डन, रुक जा बेटा तू। तो दोस्तों ये हैं हमारे घर के नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं। ये 2 लड़कियां हैं हमारे घर में, एक हमारी बुआ जी की लड़की है, हमारे चाचा जी की लड़की है। ये दोनों हमारे चाचा जी के लड़के हैं। ये जो इसका व्रत है, ओए सकल दिखा रहे होए, ओए छोड़े। यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है जिस बालक का, वो बालक को का मुंह दबा दिया गया है हमारे सबसे छोटे भाई लक्ष्य कॉलोनी जी द्वारा। लक्ष्य कॉलोनी जी उठो। अरे लक्ष्य कॉलोनी जी नहीं उठ रहे, अब मैं इनको दूसरे तरीके से उठाऊंगा, वीडियो के बाद दिखाऊंगा। नहीं आता, मेरे को नहीं आता। चलो अरे आप बोलो। एक मछली नहीं, ना ऐसे ऐसे सर्कल बनाओ ना, बोल आप बोल। एक मछली पानी में गई, छपक। दोस्तों पूरे दिन भर काम धाम खत्म हो चुका है, अभी मैं बैठा हूँ लक्ष्य कॉलोनी जी के साथ में। देखिए कितनी गंदी शक्ल है इनकी, और ये अभी सिटी बजाना चाह रहे थे लेकिन अब नहीं बजा रहे। लक्ष्य जी आप मेरे को एक बात बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी। चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको टेबल कितने तक आते हैं? 15। ये तो बदतमीजी टाइप की है यार, ऐसे ही सिखाते हैं क्या आपके यहाँ? ओके, तुम्हारे स्कूल वालों को भेजना पड़ेगा ये तो। आप कितने दिन की रखी है? 1 महीने। तो ये है हमारी चाची जी, ये है हमारे चाचा जी। चाचा ये वाली फोटो पक्का लगाऊंगा यार मैं आपकी, ये जो दिख रहे हो ना आप इतने तगड़े, वो पीछे हमारी चाची हैं, ये बूबू हैं, ये चाचा हैं, और मैं और भैया तो आपने देख ही लिए।
केले खा रहे यार ये लोग, इनके मजे हैं भैया। पड़ोसी और ये लोग बैठे अपने लॉन में, एक्चुअली क्या कहते हैं इसे, ऐसे कहते हैं लॉन, लॉन में बैठे हैं ये लोग अपने। तो मैं आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए आ रखा हूँ, कल हमारे घर में जनेऊ है, तो आप लोग 4 बजे कीर्तन में और रात के भोजन में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। नानू विद फैमिली आमंत्रित है, आप लोग भी विद फैमिली आमंत्रित हैं। नानू को स्पेशल इसलिए बोला कि नानू है जनेऊ घर पे ही है, वो कीर्तन में डांस करेगी नानू। नानू ना ना कर रही है, नहीं डीजे नहीं है, नहीं खाना नहीं बनाना है, ये बेशरम की तरह भाई दुबई में ऐसा ही करते हैं। हद तुम्हारा यार, अकेले अकेले लगा पड़ा है बचकाने में यार, छिछी तो यार, इसीलिए कहते हैं भाई भारत में क्या कहते हैं रे, अतिथि देवो भव, हमारे ही होता है सिर्फ। आपको चाहिए तो फिलहाल मैंने एक परिवार में निमंत्रण कह दिया है और मैं जा रहा हूँ अब अन्य परिवारों में निमंत्रण कहने के लिए पुल की तरफ। निमंत्रण देने वाली टीम में 2 लोग और ऐड हो चुके हैं, एक है कल्पना और ये है कन्नू, कन्नू, और हम जा रहे हैं इन्हीं के घर में निमंत्रण कहने के लिए। कल्पना की मम्मी को तो निमंत्रण कह दिया, इसको कहने की क्या जरूरत है, हाँ इसकी कोई जरूरत, मैं आपके ब्लॉग में फिर दिख गया है। तू रोज आएगी भाई ब्लॉग में, तेरे को आना ही पड़ेगा, तेरी मजबूरी है। फिलहाल हम पहुंच गए गड़ीगोट पुल में। सबसे मांगने लग जाती है क्या बहन है, अरे क्या लाए हो, अजीब जबरदस्ती है यार। मैं अपने घर के लिए सामान वामान लेके जा रहा हूँ, ये बच्चों के लिए खाना वाना, और ये मांग रही है यार ऐसी रास्ते में चलने वाले किसी से भी, मतलब है ना वे शरम भरा, मैं थोड़ी सी आग बेच के खा दी है तुम्हारा। दो ना गरम हो रहा भाई है तुम्हारा मांगने वाले। वैसे तो क्या पता नहीं भी देता, अभी यार रास्ते में चलते चलते मांग दे रही है, क्या करूं, मजबूरी शरम हो गई है, देनी पड़ेगी। ले बाबा ले, थैंक यू। तो गाइस आपको मिलते हैं कल, कल है प्रोग्राम, कल क्यों मिलते हैं, अभी पूरा दिन है व्लॉग बनाने का, दिन शाम को घर आए दिन, तो कल प्रोग्राम है इनके घर, आप सभी इनवाइटेड हो। अब उनको तो कल ही पता चलेगा ना इनवाइटेड कैसे हैं। मैं मुझे और निकिता को नहीं बुलाया है, बाकी सबको बुलाया है, हम दोनों से दुश्मनी है, लेकिन मम्मी को भी बुलाया है, अभी वो कुछ बोलने जाएंगे, पर बोला निकिता और तू मत आना, बस अबे दिख रहे हैं तुम्हारा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये ऐसा बोलता है कि अरे तमीज नहीं आपको, एक मारेंगे ना ये, वो इतने बदतमीज। देखो दोनों लोग फ्रूटी पी रहे हैं, ये बड़े यहाँ पर आ रखे हैं, पूछ भी नहीं रहे यार उन्हें, अब बहुत बदतमीज लड़कियाँ हो गए हैं। धत तुम्हारा यार, ये देखो 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 कितनी गंदी है यार, इतनी उल्टी बातें करती है यार ये लड़की, छिछी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है, आज सुबह 3 बजे से कुछ कुछ काम में लगे ही हैं, कभी चाची लोगों को लेके आए, कभी कॉलेज वॉलेज भी गए, और अभी चल रहा है पीछे टेंट वेंट का काम, उनको काम वाम बता दिया है, फिर पापा लोग सब लोग देख रहे हैं, तो अंदर बैठा हुआ हूँ। अब थोड़ा करोड़पति बनने की तैयारी है, 50,000 से पूरा नहीं हो रहा, परसों जो 50,000 आए थे, अब 1 करोड़ के लिए उन 50 रुपये लगा रहा हूँ, देखते हैं कितने आते हैं, आप लोगों को टीम बताता हूँ उसके बाद। बीच में डिस्कस चल रही है क्योंकि बीना दीदी कुछ दिनों पहले आ गई थी हमारे बीच में, तो बीना दीदी की ड्रेस क्या रहेगी उसकी डिस्कस चल रही है, अभी बात कर रहे हैं कि ताड़िका की ड्रेस पहनेगी वाल बीना तुम्हारा त्रिजटा की पहनेगी वाल, सूर्पनखा वाली पहनाएंगे, सूर्पनखा वाली है, अच्छी नहीं पहनाओगे मतलब, तुम लोग कैसे हो यार, तुम्हारा बेचारी तो एक तो इतने दिन पहले आ रखी है वो, अब उसको अच्छा भी नहीं पहनाएंगे। मेरी आ जाएगी ड्रेस, आ जाएगी किसकी, सूर्पनखा वाली ताड़ी खा वाली मेरी वाली जो मम्मी लाएगी। ये बीना है, ये पंकू है, कल पंकू टकला हो जाएगा, आज आप देख लीजिए इसे बालों के साथ, और ये है हर्षु, हिमानी, जैनी, काली माता अभी इसके बाद वो भी है मेहंदी वेहंदी भी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी फिलहाल मुझे तो जाना है क्या कहते हैं कॉलेज, क्योंकि वहाँ बन रहे हैं छोले भटूरे, तो कॉलेज जाएंगे छोले भटूरे खाएंगे और उसके बाद आएंगे मेहंदी सेलिब्रेशन, प्रशांत कॉलोनी जी के यज्ञोपवीत संस्कार से पूर्व। ये बंद करो ना कॉपीराइट नहीं आ जाएगा, हाँ नहीं तो यार हर चीज समझानी ठहरी। गुड़गांव से तो नहीं आयो कहीं कहाँ से आयो, हरियाणा से, अच्छा ठीक। तो बात चल रही थी कि दिन का 2 बज रहा था, हमने खाना खा रखा था, और उस समय पे ये 3 लोग बीना
हर्षु और पंकू, ये तीन लोग चले गए थे कमरे के अंदर और इन्होंने कम से कम 4:30 बजे तक मोबाइल चलाया और बिना कह रही है मैंने मोबाइल ही नहीं चलाया, बस फोन नहीं चलाया था, आपने देखा नहीं हम गेम खेल लेते। हाँ बिना सुन रहे हो फोन में खेल लेते। नहीं 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 आपने देखा नहीं था वो मछली का चौपाट और जब लाइट आ गई थी वाईफाई चलने लग गया था तब क्या हुआ, इंस्टाग्राम की रील बन रही थी है तुम्हारा। और उसके बाद 6 बजे तक उठे कितने बजे ये भी तो बताओ, 5 बजे 6:30 बजे 7 बजे वो भी उठाने गई चाची एक बार में उठाने गया पंकु भाई बिस्तर चेंज करके ओढ़ के सो रखा है यार इतना तेज आदमी है क्या बढ़िया भगवान ये आल्ट रहे तुम लोगों के। चलो ऐसा ही ये मस्ती मजाक तो होते रहेगा, कल यज्ञ पे भी संस्कार है, हल्दी वल्दी लगाओ, मैं छोले भटूरे खा के आता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है येलो फूड कलर में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं कॉलेज में और अर्पित सृष्टि के लिए ला रखा है ये डोरिटोज। हेलो सृष्टि, आई हैव समथिंग फॉर यू, लेकिन तू तो उस शीशे में दिख गई भाई, थोड़ी सा क्या कहते हैं उसे स्किन केयर चल रहा था, ये लो आपके लिए, मैं नहीं लाया हूँ अर्पित लाया है, लेकिन अर्पित को बताना मत, अर्पित को बोलना कि हैं रिएक्शन देखा दोस्तों, रिएक्शन देखा आप लोगों ने, क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत तगड़ा सर देख। और इसके बाद कितना काम कर रही है बताओ, पहली बार लो 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 दीदी लो जल्दी करो, ये आ चुके हैं छोले, ये है रायता और ये है मेरी ख्याल से चटनी ना या अचार, खाइए खाइए, छोले छोले भटूरे दोनों चीज़ बनके तैयार हो चुके हैं और सृष्टि ने दान कर दिए अपने हिस्से के भटूरे और फिर से उसकी प्लेट में आ चुके हैं और फिर से उसकी प्लेट से चले जाएंगे अर्पित जी कैसे लग रहे हैं आपको येलो फूड कॉर्नर में बने हुए, टेस्टी, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो येलो फूड कॉर्नर में जाके चेक करिए। अच्छा किसकी रेसिपी, छोले भटूरे, ओके डन थैंक यू। तो भोजन हो चुका है और सृष्टि दीदी हो गई है गुस्सा, ऐसा ही है इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, अखबार फोल्ड कर रही है, चलो मैं इसके कह रहा हूँ आज रात के लिए वहीं चल वहीं रहेगी हमारे लिए। मना कर दिया ना, कब किया मना, अभी मना करा आपने, कब क्या बोला मैंने मना करने के लिए, कब बोला, अच्छा झूठ का तो इतना बड़ा पुलिंदा है ना बाप रे। तो फिलहाल सृष्टि दीदी को बाय बोल दिया है और हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज से घर के लिए, घर में चल रही होगी शायद मेहंदी वगैरह, तो देखते हैं कैसी मेहंदी हो रही है आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो हम लोग कॉलेज से पहुंच चुके हैं घर में, हम लोग मतलब मैं अर्पित को उसके घर छोड़ दिया है और अभी यहां चल रही है पंकज जी को मेहंदी लगाने की तैयारियां, मेरे को मेरी माँ टीका लगाना चाह रही है वो मैं थोड़ी देर में लगवाता हूं, और सभी लोग बटी बटी के तैयार हो चुके हैं, अब लगाएंगे हम पंकज जी को मेहंदी तैयारियां हो रहा है। बीना दीदी और हर्षु दीदी लगा रही हैं पंकज जी को मेहंदी, शुरू हो चुका है मामला, मेहंदी लगने का काम हो चुका है शुरू और हमारे बीच में आ रखे हैं हमारे पूरे परिवार के लोग, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी 2-3 लोग कम है। मुंह मीठा करो, तो मेहंदी वेहंदी लग चुकी है और ढूंढ रहे हैं अभी फिर से मेहंदी लगाने के लिए डिजाइन वगैरह, सब बेचारे कोई ढूंढ रहा है कोई फोन चला रहा है, ये देखो हमारी दुल्हन की लग गई है मेहंदी ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मुंह के सामने ऐसे करना, हाँ इस साइड दोनों एक ही साइड, अबे चेहरा है इसमें देख ऐसे, वो ये है हमारी दुल्हन, इसके खींच गई।